हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 डेटा हेडिंग, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है कि भाई कोई एक पाई चार्ट है, यहाँ पर देखिए पाई चार्ट गिवन है आपको, और आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस के मार्क्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। और जो मार्क्स दिए हुए हैं इसके अंदर भी आपको देखो मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको डिग्री के फॉर्म में आपको इनका वेटेज दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स जो है वो 90 डिग्री के फॉर्म में है, सोशल साइंस जो है वो 65 है। एक तरह से इस पाई चार्ट को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा। और यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है, टोटल मार्क्स जो है ना वो ऑब्टेन किए गए हैं 540 मार्क्स के अंदर, मतलब टोटल जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 540 है, टोटल मार्क्स जो है वो 540। 540 मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, सोशल साइंस का कुछ और, कुछ सोशल साइंस होगा, साइंस होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा, इन सारों के अगर मार्क्स को मैं टोटल करूँ तो टोटल मार्क्स जो आते हैं वो कितने आते हैं, 540 आते हैं। तो देखिए अभी मुझे यहाँ पर मार्क्स तो पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि सोशल साइंस जो है वो 65 डिग्री है। तो कुल मिला के इनके आपको सेंट्रल एंगल पता है, किसका, मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, इनके आपको सेंट्रल एंगल पता है। अब देखिए यहाँ पर अपन मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मार्क्स हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल दिए हुए इनके फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेंट्रल एंगल की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स की अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल जो एंगल होता है, टोटल सम ऑफ एंगल जो होगा इसका वो कितना होगा मुझे बताइए, ये पूरा टोटल एंगल कंप्लीट एंगल बनेगा। तो पूरा टोटल एंगल अगर कंप्लीट एंगल बनेगा तो टोटल सम ऑफ एंगल कितना होगा, ये सम ऑफ एंगल होगा 360 डिग्री। और आपको पता है सेंट्रल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, तो नीचे आपको रखना है सेंट्रल एंगल, मतलब 360 डिग्री को आपको रखना है, क्लियर। अब यहाँ पे 0 से 0 हमारा कट जाएगा और यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। इसी तरीके से हम सोशल साइंस की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, साइंस की निकालेंगे, हिंदी की निकालेंगे, इंग्लिश की निकालेंगे, सारे की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे, क्लियर। अब फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद में हमें क्या प्रोसेस करना है, मार्क्स को निकालने का, कि इंडिविजुअल अगर हम मार्क्स निकालना चाहें, जैसे मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए, सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए, साइंस में कितने मार्क्स आए, ये अगर मुझे इंडिविजुअल मार्क्स चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, और फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद में, जैसा कि अभी देखो मैथमेटिक्स की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली है यहाँ पर, अब देखिए मैथमेटिक्स की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद में आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन वैल्यू को आपको जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितने थे यहाँ पर, टोटल मार्क्स है 540, यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, टोटल मार्क्स है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको दिया हुआ है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर 540। तो देखिए 540 अगर टोटल मार्क्स है तो हमारे को क्या करना है, टोटल मार्क्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, हर एक फ्रैक्शन वैल्यू को आपको 540 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टोटल मार्क्स यही है। अब यहाँ पर जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, 4 1 4 4 3 12 4 5 20 135 हमारा एक तरफ यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर आपको मार्क्स मिले हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आपको निकालने हैं, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए टेबल में हमने आपको बता रखा है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी सबकी, ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा 360 से। 360 से क्यों किया, क्योंकि 360 डिग्री जो होता है वो सेंटर एंगल होता है सर्कल का, क्लियर। चलिए अब देखिए हमने एक टेबल बना ली, और टेबल में आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ले लिया, फिर हमने एंगल ले लिए, फिर हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले ली, और फ्रैक्शन वैल्यू के बाद में हमने जो मार्क्स निकाले थे यहाँ पर 135 वो हमने निकाला है। तो देखिए यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के लिए करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन, तो मैथमेटिक्स का जो एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग वो 90 डिग्री है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकलेगी, 90/360 जो कि हमने निकाली थी अभी 1/4, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है 1/4, और जो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू आई है उसको 540 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 135 देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर आया था, एक मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था एग्जाम। अब देखिए इंग्लिश की निकालते हैं, तो इंग्लिश की हम कह सकते हैं इंग्लिश की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 55
हमें हिंदी का करना होगा, हिंदी में कॉरस्पॉन्डिंग 70 डिग्री है और 70 अपॉन 360 करेंगे तो 7 बाय 36 आएगा और 7 बाय 36 को 540 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 मार्क्स हमारे निकल के आते हैं। ऐसे हमें साइंस का करना होगा, साइंस की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 80 डिग्री है, 80 बाय 360 करेंगे 2 बाय 9 आएगा और 2 बाय 9 को 540 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हमारा मार्क्स निकल के आएगा। ऐसी लास्ट सोशल साइंस है, सोशल साइंस का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 65 डिग्री है, 65 अपॉन 360 करेंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी 13 बाय 72 और 13 बाय 72 को फिर से हम 540 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.5 हमारा यहाँ पर निकल के आएगा। क्लियर है? तो हमने क्या कर ली, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल दी है, इंडिविजुअल वैल्यू हमारी निकल के आई है मैथमेटिक्स की 135, इंग्लिश की 82.5, हिंदी की 105, साइंस की 120 और सोशल साइंस की 97.50। क्लियर? चलिए, तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हमने टेबल बना ली, मेंटेन कर ली, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, इन विच सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, मतलब 105 मार्क्स जो है वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर 105 नजर आ रहा है मेरे को, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको 105, तो कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी, तो हिंदी के अंदर हमें 50 मार्क्स नजर आ रहे हैं। तो टेबल देख के आप इनके आंसर दे सकते हो। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए आपको लिखना कैसे है, इन इसने पूछा था, क्या पूछा था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो हम टेबल को देखेंगे और टेबल के अंदर हमारे को लिखा कि 105 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हिंदी, तो 105 मार्क्स जो आए हैं वो हिंदी में आए हैं, तो हम टेबल से कह सकते हैं कि द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि हिंदी से ज्यादा मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो मैथमेटिक्स और हिंदी के मार्क्स लेने और उनका डिफरेंस निकालना है सिंपल। तो देखिए मैथमेटिक्स के अंदर हमारे कितने मार्क्स आए हैं, 135 और हिंदी के अंदर 105 मार्क्स आए, तो मैथमेटिक्स के अंदर हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए, तो 135 माइनस 105 कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 30 मार्क्स निकल के आएगा। तो देखिए मार्क्स स्कोर इन मैथमेटिक्स 135 और मार्क्स स्कोर इन हिंदी 105, तो डिफरेंस हम निकालेंगे इनका 135 माइनस 105 तो 30 निकल के आएगा, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट ऑब्टेन 30 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स दैट इन हिंदी। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पूछा है यहाँ पर, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इज साइंस एंड हिंदी, आपसे ये पूछा गया है कि भाई साहब आपको ये बताना है क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं, सोशल साइंस देखना है और मैथमेटिक्स देखना है, उसके जो मार्क्स है वो क्या साइंस और हिंदी से ज्यादा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम टेबल देखते हैं और टेबल में देखते हैं, टेबल से अच्छा है आप इस वाली टेबल को देख लीजिए, क्योंकि उस टेबल से, इसी टेबल से हमने डेटा उठाया है और यहाँ पर देखा है। तो देखिए यहाँ पर इस टेबल को अगर हम देखते हैं तो इस टेबल के अंदर आप देखो मैथमेटिक्स सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या पूछा है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर देखिए सोशल साइंस और मैथमेटिक्स की नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर इसको हटा देते हैं एक मिनट, और यहाँ पर देखिए सोशल साइंस ये रहा और मैथमेटिक्स ये रहा, तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर अगर मार्क्स को हम ऐड करें तो 135 प्लस 97.50 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स लिए हैं, सोशल साइंस में 97.5 थे और मैथमेटिक्स में 135 थे, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 232.5 निकल के आएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, साइंस और हिंदी के मार्क्स लेने हैं, आप टेबल देखिए साइंस में कितने मार्क्स थे, साइंस में 120 मार्क्स थे और हिंदी में थे 105 मार्क्स, तो हमें क्या करना है, हमें करना है भैया जो साइंस में मार्क्स मिले हैं वो 120 मिले हैं और हिंदी में जो मार्क्स मिले हैं 105 मिले हैं, तो हमें इनका ऐड करना है तो 225 निकलेगा। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए क्या 232.5 जो है वो 225 से ज्यादा है, तो आप कहोगे यस बिल्कुल ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर दोनों का सम जो है वो क्या साइंस और हिंदी के मार्क्स का सम से
मोर देन है तो आपको यहां पर बताना है, बिल्कुल है यहां पर मोर देन है, तो यहां पर हम कह सकते हैं यस द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता कि कितना मोर देन, हाउ मेनी मोर देन, तो आप क्या यहाँ पर बताते हैं इनका डिफरेंस, 232.5 में से 225 को लेस कर देते तो डिफरेंस कितना आता है हमारा, हमारा डिफरेंस निकल के आता है 232.5 में से अगर 225 को अगर लेस कर देते तो हमारा डिफरेंस निकल के आता है यहाँ पर 7.5, तो ये डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है, क्लियर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।